हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब के लिए फिर से एक बार डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बासुंदी बनाने वाली हूँ, यानी कि रबड़ी। नॉर्थ इंडियन में इसको रबड़ी बोलते हैं और साउथ इंडिया में इसको बासुंदी बोलते हैं। आज हम सिर्फ तीन ही इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार बासुंदी बनाने वाले हैं, तो देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने हाफ लीटर फुल टोन्ड मिल्क लिया है। काजू और बादाम को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया है और बादाम का छिलका मैंने उतार लिया है। 50 ग्राम के करीब शुगर हम लिए हैं। इलायची पाउडर हमें इस तरह हैवी बॉटम पैन लेना है। इसमें मैं दूध को डाल रही हूँ। इसको हमें हाई फ्लेम में रख के अच्छी तरह उबाल आने तक के लिए छोड़ देना है। देखिए दूध अच्छी तरह बॉइल हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम में कर लेते हैं और ये जो मलाई ऊपर आ रही है इसको इस तरह हमें साइड में लगाते रहना है। इस तरह हमें साइड को करते जाना है, नीचे से इस तरह हलाते रहना है हमें। बासुंदी को बनाने के लिए हमें बहुत सारी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अब हमें इस मिल्क को इतना रिड्यूस करना है कि ये, अब हमने इसमें हाफ लीटर मिल्क लिया है ना, हमें जस्ट 50 ml मिल्क चाहिए। 500 ml से हमें इसको 50 ml तक के लिए रिड्यूस कर लेना है। इसीलिए नीचे से हलाते रहिएगा ताकि नीचे ना लग जाए। इस तरह जब भी मलाई फॉर्म होगी उसे हमें साइड्स को कर लेना है। किनारे एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरह हमने उस लच्छों को, मलाई के लच्छों को यहाँ पे लगा दिया है। आप फुल टोन्ड मिल्क लिए तो ही इस तरह लच्छे आएंगे। सारा रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें शुगर को ऐड कर लेती हूँ। हमें बस 50 ग्राम ही शुगर डालना है। ये मेल्ट होने तक हम छोड़ देंगे। दिख रहा है ना आपको, सारा दूध हमने रिड्यूस कर लिया है। अब शुगर को मेल्ट होने तक के लिए बहुत ही सिम पे हम चूल्हे को छोड़ देंगे। थोड़े से काजू बादाम को पेस्ट कर लेते हैं और मैं थोड़े रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ये देखिए हमने पूरा पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को भी मैं दूध में ऐड कर लेती हूँ। 2 स्पून पेस्ट हमने इसमें डाल लिया है। इसको भी अच्छी तरह पका लेते हैं। इसी के साथ में मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल लेती हूँ। और इसे चला लेते हैं। अब आपको चलाते ही रहना है ताकि नीचे ना लग जाए काजू बादाम का पेस्ट। 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे हमें इसे पका लेना है।
निकाल के डाल लेना है। देखिए खाते वक्त ये लच्छे मुंह में आएंगे तो बहुत ही स्वाद आएगा। ये देखिए सारे लच्छे हमने साइडों से निकाल लिए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारी बासुंदी या रबड़ी रेडी हो चुकी है। अगर आपको एक गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा कुनकुना दूध ऐड कर लीजिएगा। इसको चिल्ड खाने में बहुत मजा आता है। बनने के बाद 4 से 5 घंटे आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा। ठंडा ठंडा ये बहुत ही यम्मी रहता है। मैंने इसको थोड़े से पिस्ताचियों से गार्निश कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।